हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि जो आज की वीडियो है वो है हेयर वॉश एंड डंक वीडियो। और इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर एक और वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो आपने उस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया, बहुत ज्यादा प्यार दिया। थैंक यू सो मच गाइज उस वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। और आप ही की फरमाइश पर मैं आज ये दोबारा वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आप इस वीडियो की रिक्वेस्ट काफी टाइम से कर रहे थे, आपने बोला था कि मैं दोबारा से इस वीडियो को शेयर करूं और सनसिल्क शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश कर दिखाऊं। तो आप ही की फरमाइश पर गाइस आज मैं इस वीडियो को दोबारा लेकर हाजिर हुई हूं। और प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने बालों में मसाज, और ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही हैवी ऑयलिंग मसाज की थी अपने बालों में। और ये कोकोनट ऑयल मैं बालों में अप्लाई कर रही हूँ। इसकी हेल्प से मैं अपनी स्कैल्प में अच्छे से ऑयल को अप्लाई कर लूँगी और मसाज करते हुए तेल को लगा लूँगी अपने बालों में इस तरीके से, जैसा आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर गाइस इसलिए इतना ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने 100 ml शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना है, तो कहीं मेरे बालों में और ज़्यादा ड्राइनेस ना हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये इतना सारा मैंने ऑयल लगा लिया है। सो हे गाइस, अभी मैं करने जा रही हूँ अपने हेयर को वॉश, और मैं सनसिल्क शैम्पू से वॉश करूंगी अपने बालों को। और उसके बाद अपने बालों को डंक करूंगी, एक बड़े टब में अपने बालों को डंक करूंगी, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो हेयर वॉश एंड डंक वीडियो है। तो अपने बालों को वॉश करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ सनसिल्क शैम्पू, और ये काफी अच्छा शैम्पू आप देख सकते हैं। ये 200 ml की बॉटल है, तो सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है आप देख सकते हैं। और ये ब्लू कलर की शैम्पू है आप देख सकते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर में है, ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है आप देख सकते हैं। तो ये शैम्पू मैंने काफी यूज भी किया है, तो अभी इसमें 100 ml से भी थोड़ा ज्यादा ही है, और ये 200 ml की बॉटल है, थोड़ा मैं यूज कर चुकी हूँ आप देख सकते हैं। ब्लू कलर का शैम्पू है, ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है, इसकी लिड भी काफी अच्छी है, और ये काफी पॉकेट फ्रेंडली भी है, ट्रेवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली भी है। और इसकी परचेज लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगा। तो यहाँ इसे आप ओपन कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से इसकी लिड ओपन होती है, काफी अच्छा है। क्वांटिटी अपने हिसाब से भी ले सकते हैं आप, अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली आपने शैम्पू लेना है, ये देखिए। और मेरे आज की जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, और मेरे पास ये रिक्वेस्ट काफी टाइम से आ रही थी कि आप 100 ml की सनसिल्क शैम्पू की बॉटल से अपने बालों को वॉश करते हुए दिखाएं और खूब सारे फॉर्म बनाएं, यानी कि झाग बनाएं। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी ही होने वाली है, मजेदार भी होने वाली है, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं इसी शैम्पू से अपने बालों को वॉश करूंगी, काफी अच्छा शैम्पू है। इस शैम्पू की खास बात मुझे ये लगती है इसकी, ये काफी कम क्वांटिटी में लगता है, लाइक अगर आपको वन टाइम शैम्पू कर रहे हैं तो काफी कम क्वांटिटी में लग जाता है ये शैम्पू, तो ये आपकी बोतल 1 से 1.5 महीना आराम से चल जाएगी, तो काफी अच्छा शैम्पू है। और इसमें आप देख सकते हैं कोकोनट वाटर एंड एलोवेरा का यूज किया हुआ है, वॉल्यूम फॉर फुल एंड बाउंसी हेयर शैम्पू है ये। और इसमें कोकोनट वाटर की वाकई ही स्मेल भी आती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, स्मेल मेरा मतलब बदबू से नहीं है, खुशबू से है, तो इसमें कोकोनट वाटर की खुशबू वाकई आती है, और मुझे इसकी खुशबू भी काफी अच्छी लगी है, तो काफी अच्छी खुशबू है। ओपन करते ही शैम्पू की कम और कोकोनट वाटर की खुशबू ज्यादा आती है, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं इस शैम्पू की हेल्प से अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ। और इससे पहले की वीडियो भी आपने जरूर देखी होगी गाइस, मैंने इससे पहले हैवी हेयर ऑयलिंग मसाज करते हुए अपने बालों को दिखाया, और इस वक्त मैंने एक वीडियो शूट की है, तो आप देख सकते हैं अभी मैंने अपने बालों में काफी सारा ऑयल लगाया हुआ है, मैंने 100 ml की कोकोनट ऑयल लगाई है अपने बालों में आप देख सकते हैं। तो फेस पर आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा साफ भी कर लिया था, तो ये देखिए। तो चलिए फिर मैं भी अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ, फिर अपने बालों को डंक करते हुए दिखाऊंगी, और इसके बाद मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने बालों को भिगो रही हूँ, पहले मैं बालों को अच्छे से गीला कर लूंगी, इसके बाद मैं सनसिल्क शैम्पू को अप्लाई करूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, आपने बोला था मेरी पहले वाली हेयर वॉश एंड डंक वीडियो में आपने बोला था कि मैं 100 ml सनसिल्क बॉटल से, मतलब शैम्पू की बॉटल से अपने बालों को वॉश करूं, तो इस तरीके से मैं 100 ml का ये शैम्पू यूज़ करने जा रही हूँ सनसिल्क का अपने बालों में। और आपने इसमें भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपने बालों में मतलब बन बनाकर दिखाऊं, गीले बालों को कैसे बांधती हूँ, कैसे टॉवल ड्राई करती हूँ, लाइक और भी आपने काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने कोशिश की है इस एक वीडियो में सभी रिक्वेस्ट को पूरा करने की। और आपने डीपली डंक करने के लिए बोला था, तो मेरे पास इससे बड़ा तो बर्तन नहीं है, और मतलब इससे बड़ा कोई और टब नहीं है, तो इसी में मैं अपने बालों को वॉश करूंगी, काफ़ी बड़ा टब है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके शैम्पू अप्लाई करूंगी, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा लगाया था, तो मैं थोड़ा थोड़ा कर कर ही ऑयल को निकाल लूंगी इस तरीके से अपने बालों से शैम्पू करके। और एक बार में तेल तो सारा नहीं निकलेगा बालों से, आप समझ ही सकते हैं। और मैं यहाँ पर ताज़े पानी में ही अपने बालों को वॉश करती हूँ हमेशा ज़्यादातर,
तो अभी इतना मौसम ठंडा नहीं है तो इसलिए मैं मतलब ताजे पानी में ही अपने बालों को वॉश कर रही हूँ, लेकिन जब जनवरी की ठंड होती है तो उसमें मैं अपने बालों में गर्म पानी से अपने बालों को वॉश करती हूँ, मतलब ल्यूक वार्म वाटर से वॉश करती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, लेकिन अभी पानी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है तो इसलिए मैं ये ताजे पानी में से धो रही हूँ, अपने बालों को वॉश कर रही हूँ। मग में थोड़ा सा पानी लिया, उसके बाद शैम्पू डाला है मैंने, और ये मैं कर रही हूँ सेकेंड टाइम शैम्पू, और मैंने इसमें 5 बार शैम्पू किया है, तो 100 ml शैम्पू 5 बार में आराम से मतलब मैंने कर लिया था, तो ये आप देख सकते हैं। और हाँ गाइस, मैंने एक साथ सारी वीडियोस शूट की थी, तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी बहुत ही हैवी ऑयलिंग की, और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी बहुत ही हिना की, कि हिना अप्लाई करने के बाद कैसे आपको स्किन की केयर करनी चाहिए, कैसे अपने फेस पर ब्लीच और फेशियल करना चाहिए, तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर दे दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, फेस पैक और हेयर पैक शेयर किए हुए हैं, हेल्दी टिप्स शेयर किए हुए हैं, बहुत सारे मेकअप लुक, इंस्पायर्ड लुक और बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स, मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हुई है, तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कीजिए, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और हाँ गाइस, आप वीडियो देखकर आगे चले जाते हो तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गाइस मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक शेयर करके बताइएगा, और प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये एफर्ट्स, मेरी मेहनत कैसी लगी, और मेरी वीडियोस कैसी लगी, और अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, और अब मैं ये मग से पानी डाल रही हूँ अपने बालों में, इससे भी काफ़ी अच्छा तरीका होता है, वैसे अच्छे से शैम्पू निकल जाता है। और अब मैं ये थर्ड टाइम शैम्पू कर रही हूँ, ये मैं हथेली में लेकर ही इस तरीके से झाग बना लूँगी शैम्पू के, और फिर इसे अपने बालों में अप्लाई करूँगी। तो गाइस मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी है यार, मतलब मेरी कमर की और पैरों की तो बैंड बज गई थी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे भी अगर आपको चैलेंजिंग वीडियो या कोई रिक्वेस्टेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। अगर मुझे आपका चैलेंज पसंद आता है तो मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। सो गाइस, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपकी सभी रिक्वेस्ट इस वीडियो में कंप्लीट करने की, और आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी मेरी मेहनत ये। तो ये देखिए मैंने पानी भर लिया है टब में, ऊपर तक मैंने पानी भर लिया था, अब मैं अपने बालों को डंग कर रही हूँ इस वीडियो में, आप देख सकते हैं गाइस।
गाइस पानी बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मेरे नाक में भी पानी चला गया था और कानों में भी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी कम किया था। अब ज़्यादा अच्छे से मैं अपने बालों को टंग कर पा रही हूँ, स्ट्रेट कर पा रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैंने काफ़ी देर तक अपने बालों को डंग किया है इसमें, आप देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं अपने बालों को वॉश कर चुकी हूँ और अब मैं अपने बालों का बन बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने बन बना लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैंने 100 ml शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है जैसा कि आपने देखा, और बालों का मैंने बन भी बना लिया था। अब मैं अपने बालों को टॉवल से ड्राई कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं अपने बालों को इसमें रैप कर लूँगी 5 से 7 मिनट तक, उसके बाद मैं अपने बालों को सुखा लूँगी। सो हे गाइस, मैं अभी अपने बालों को वॉश कर नीचे आ चुकी हूँ, और जैसा कि आपने देखा मैंने डीपली डंक भी किया है अपने बालों को। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी मेरे बाल जब सूख जाएंगे तो मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ और आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि बालों में इतना सारा शैम्पू करने के बाद बालों की क्या कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बालों को टॉवल ड्राई तो कर लिया है और ऊपर मैंने अपने बालों को टॉवल में रैप किया था, लेकिन अभी मैंने अपने बालों को खोल लिया है ताकि जल्दी सूख जाए, क्योंकि अभी शाम का वक्त हो रहा है। मैंने शाम के वक्त ही ये शूट किया वीडियो, और मैं अभी चाय पी रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी भी लग रही है। तो चलिए फिर जब बाल सूख जाएंगे तो मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसके बाद कोई भी कंडीशनर वगैरह अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मैंने अपने बालों में एक दिन पहले ही मेहंदी लगाई थी, उसके बाद मैंने हैवी कोकोनट ऑयलिंग मसाज वाली वीडियो शूट की थी, तो मैंने अपने बालों में ऑयल लगा लिया था। और हिना अपने आप में एक बहुत अच्छा कंडीशनर है, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा कंडीशनर लगाने की ज़रूरत थी। और मैं आपको बालों को सुखाने के बाद भी अपना रिजल्ट ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके का रिजल्ट आया है बालों में और किस तरीके से बालों में शाइन आई है इतना सारा शैम्पू करने के बाद। और गाइस, ये शाम के वक्त मैंने ये वीडियो शूट की थी तो राज ने बोला कि कहीं तुम्हें सर्दी ना हो जाए तो तुम अपने बालों को ड्रायर कर लो, तो मैंने हेयर ड्रायर यूज़ किया था अपने बालों को सुखाने के लिए। तो गाइज़, अभी मैं अपने बालों को सुखाने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ कि किस तरीके से मेरे बालों में शाइन आई है शैम्पू करने के बाद। सो गाइज़, ये आप देख सकते हैं, ये है फाइनल रिजल्ट मेरे बालों का, कि मैंने कैसे मसाज करने के बाद अपने बालों में शैम्पू किया और इतना सारा शैम्पू करने के बाद भी बालों में अच्छी चमक आई है। और आप देख सकते हैं बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रहे हैं, सिल्की एंड शाइनी भी लग रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये बालों का रिजल्ट अच्छा लगा हो, आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले। शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।